बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 मैथ्स 10th, इसमें इक्वेशन आपको दी गई है। कहता है कि शो करें कि इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो इन ये दो में से कोई एक कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाई करनी चाहिए मस्ट। तो इसमें भी हम डिस्क्रिमिनेंट को लेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए होगा और एक्स का कोफिशियंट बी होगा और बाकी जो बच गया वो क्या होगा, सी होगा। पहले आपने ए बी सी को अलग करना है, या अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो इट्स गुड, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो पहले आप सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे और आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, ये ए बी सी को सेपरेट करके डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप देखें एक्स स्क्वायर है ये स्टैंडर्ड में क्या होना चाहिए, एक एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक एक्स होना चाहिए और एक कॉन्स्टेंट होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म थी, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए, एक्स का कोफिशियंट बी एंड द रेस्ट वन इज सी। अब चूंकि उसने बात की कि रूट्स इक्वल रखने हैं, फॉर इक्वल रूट्स में क्या होता है, डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल होता है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होता है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा ये हमने ना इनको कैपिटल ए बी सी का नाम इसलिए दिया कि ऑलरेडी ए बी सी अपीयर हो रहे तो कैपिटल से जरा डिफरेंस आ जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए, ए की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस ए बी और ये बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, फोर ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर माइनस फोर सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब फोर कॉमन आ रहा है तो फोर को कॉमन निकाल लेते हैं, ये इसमें और इसमें फोर कॉमन है, फोर को कॉमन ले लिए, इसका फॉर्मूला ओपन कर दें, यह आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन ही रहेगी, ये बस जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें, फोर जाके ना जीरो से डिवाइड हो जाएगा तो जीरो से कोई भी चीज डिवाइड होगी तो जीरो हो जाएगी। यह गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी सी माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए सी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, प्लस ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो गए तो आपके पास जो बचेगा वो ये है, ए की फोर माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सी, एड कर दिया इसको 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 और इसको हमने एड कर दिया तो ये आपके पास आ गया माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सी प्लस ए सी क्यूब प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब इन सब में से ना एक तो ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लेते, आ जाएगा ए क्यूब माइनस थ्री ए बी सी प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू जीरो। अब इसको रीअरेंज करें, आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा मैंने आपको ये बताया हुआ कि जब कभी भी दो ऐसी एक्सप्रेशंस आ जाएं जो मल्टीप्लाई हो रही है और उनका जो है ना प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो और दोनों में अननोन मौजूद हो तो ऐसे में हम उन दोनों को बारी बारी क्या करते हैं, जीरो से कंपेयर कर लेते हैं। अब ये ए है अननोन है, इट्स नॉट अ नंबर, अगर ये नंबर होता है इसको जीरो से डिवाइड करके काम खत्म हो जाता। अब ये ए अननोन है, इसकी वैल्यू हम नहीं जानते, इसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसमें काफी अननोन आ रहे, इसका और इसका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो इट्स मीन या तो ए जीरो होगा या फिर दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों में से कोई ये क्या होगा, जीरो होगा। ये आ गया एज रिक्वायर्ड, यही हमने प्रूव करना था। अच्छा यहां पे एक मिस्टेक हो गई थी, जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया था ना, ये हमने यहां पे माइनस लिखा हुआ था बट इट वॉज प्लस, इसको प्लस कर ले, इसको देख लें, ये एरर हमने करेक्ट की है, यहां पे माइनस लगाया था पहले अब ये प्लस है,
इसके बाद ये जब माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद जब इसको ऐड करेंगे तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा एंड सो ऑन। अच्छा ये आपके पास क्वेश्चन है, इसमें ये कहता है कि प्रूव करें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो जब कभी भी आपको कहा जाए कि किसी इक्वेशन के रूट्स को रैशनल प्रूव करें तो उस पर्पज के लिए आपने ये करना है कि डिस्क्रिमिनेंट को ना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, ठीक है। तो ये अब बात जहन में बिठा लें कि जब कभी भी आपसे कहा जाए कि इक्वेशन के रूट्स को रैशनल प्रूव करें तो फॉर दैट सेक आपने क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट को होल स्क्वायर बनाना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर है, एक्स है तो नो नीड ऑफ सिंप्लीफिकेशन, जस्ट आप ए बी सी को अलग करेंगे। ये पहला एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशियंट है ये ए है, एक्स का जो कोफिशियंट होगा ये बी होगा एंड द रेस्ट वन इज सी। या अब इसके बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट यूज करना है और डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर लेकर आना है। यह आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू पुट करें तो यह आ जाएगी बी इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू बी माइनस सी और सी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, b इंटू सी माइनस ए इंटू बी माइनस सी एंड c इंटू ए माइनस बी। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है और इसको परफेक्ट स्क्वायर लेकर आना है। इसके लिए हम लिखेंगे b स्क्वायर इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सेपरेट कर दिया स्क्वायर को, 4 इंटू ए सी को इकट्ठा लिख दें, ए सी इंटू ए माइनस बी इंटू सॉरी बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ये आ गया। अब आप इसका ना स्क्वायर ओपन कर दें, इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद आप देखेंगे क्या आएगा आपके पास, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू सी ए एंड अब हेयर इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, बी को ए के साथ, बी को बी के साथ, सी को ए के साथ, सी को बी के साथ। तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी बी या बी सी। ये आ गया। अब आफ्टर दिस सेक आपने क्या करना है, ये बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर सी माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करें फोर ए स्क्वायर बी सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर ए बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस फोर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस फोर ए बी सी स्क्वायर। राइट हो गया, क्या गया माइनस फोर ए बी सी स्क्वायर। तो ये आपने सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब आपने करना ये है कि देखें अगर कोई सिंप्लीफाई हो सकता है फर्दर तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी माइनस टू ए बी स्क्वायर सी है और ये फोर ए बी स्क्वायर सी है, तो इन दोनों को आप क्या करेंगे प्लस माइनस कर लेंगे। तो जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो मैं साथ साथ रीअरेंज भी कर रहा हूं, ये आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर और उसके बाद फोर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर बी सी सॉरी ये इसको और इसको माइनस करें ना कितना आता है, ये आता है फोर में से टू माइनस करेंगे तो टू ए बी स्क्वायर सी प्लस का आएगा, फिर माइनस फोर ए स्क्वायर बी सी एंड देन माइनस फोर ए बी सी स्क्वायर। अच्छा इसमें देखें कितनी टर्म्स हैं, इसमें टर्म्स हैं आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स टर्म्स वाला हमारे पास एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी प्लस टू इंटू बी सी प्लस टू इंटू सी ए। ये फार्मूला है आपके पास, इस फार्मूले को हमने कंप्लीट करना है यहाँ पे, इसमें भी छह टर्म्स हैं और ये फार्मूला कंप्लीट करें पहले तीनों टर्म्स का स्क्वायर, यानी पहले तीन आपने स्क्वायर होल स्क्वायर लाने पड़ेंगे। ये देखिए होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं बी सी का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं टू सी ए का होल स्क्वायर। आपने इन तीनों को ना होल स्क्वायर बना दिया। अब होल स्क्वायर बनाने के बाद आपने आगे ब्रेक करना है, तो ये टू ए बी बी सी, तो मैं इस बी को यहां से ब्रेक कर देता हूं, बी
इंटू बी सी, राइट हो गया। ये देखें टू ए बी इंटू बी सी, इसी तरीके से अब इन दो को, ये दो होने चाहिए बी सी इंटू टू सी ए, ये फोर है, तो इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं, माइनस को अंदर ले जाते हैं टू, बल्कि माइनस को फिलहाल ऐसे ही रखें, आगे चल के बाद देख लेते हैं। ये आ गया आपके पास टू ए बी इंटू ए टू ए सी, राइट हो गया, टू सी ए या टू ए सी जो भी लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह आ जाएगा टू सी ए, एंड द लास्ट वन इज माइनस टू इंटू ए बी इंटू ए सी, सॉरी यह आ जाएगा ए सी इंटू बी सी दिस वन। तो ये आपने ना, ये पहले इन तीनों को देखें, ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर प्लस टू सी ए का स्केयर, फिर टू इंटू पहले दो होने चाहिए, टू इंटू पहले दो है कि नहीं है, ये है, फिर अगले दो होने चाहिए टू इंटू ए बी और टू सी ए, ए बी और टू सी ए, ये भी ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम है, डाल तरतीब का सिर्फ फर्क है, और फिर आगे होना चाहिए ए सी और बी सी, तो ये ए सी और बी सी। तो ये अब फार्मूले वाली जो शेप है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आप देखें ये जो ए बी और बी सी वाले ना, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी इनके बाहर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो अब आप जब फार्मूला बंद करेंगे तो इस तरह लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, इनमें प्लस आ जाएगा और बाकी माइनस है, तीसरे वाले के साथ आपने माइनस लगा देना, टू सी ए के साथ माइनस लगा के इसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो अब अगर ये फार्मूला आप ओपन करेंगे तो इस फार्मूले के ओपन करने से आप देखेंगे कि यही चीज आपको वापस मिलेगी। तो देख लें आप प्लस देखा करें कि किन के बारे, ए बी और बी सी के बारे प्लस है तो उनके साथ प्लस आ जाएगा, और जो तीसरा बच जाएगा फिर उसके साथ अगर माइनस है तो, अगर सबके साथ प्लस है तो फिर इधर बीच में सबके बीच में प्लस आ जाएगा, लेकिन अगर माइनस आ रहा है तो आपने देखना है कि प्लस किसके साथ आ रहा है, तो प्लस जिसके साथ आ रहा है वो दो कौन कौन से हैं, उनके बीच में प्लस डालेंगे, बाकी जो बच जाएगा उसके साथ माइनस का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट देखे परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, अब यहां पे कंक्लूड कर देते हैं हम, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स विल बी रैशनल, रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। चलिए अब अच्छा भैया, अब यह टू शो रूट्स आर रियल, तो रूट्स को रियल प्रूव करने के लिए आप दो में से एक काम करेंगे, या तो आपने डिस्क्रिमिनेट को होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है, या उसे सम ऑफ स्क्वायर्स बनाना है, सम ऑफ स्क्वायर्स। ये बात आपने याद रखनी है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है ना, जैसे टू का माइनस टू का स्क्वायर है तो ये प्लस फोर आ जाएगा, तो किसी भी नंबर का होल स्क्वायर ले तो वो पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर आपके पास स्क्वायर्स का सम है, ये देखिए स्क्वायर्स का सम है, यानी पॉजिटिव है, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर, प्लस थ्री का स्क्वायर नाइन, प्लस सिक्सटीन, तो ये भी आपके पास ना आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो अब पॉजिटिव आंसर लाने के लिए, अब रूट्स कब रियल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, तो डिस्क्रिमिनेंट कब पॉजिटिव होगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट होल स्क्वायर होना चाहिए या फिर सम ऑफ स्क्वायर्स होना चाहिए। तो इन दो में से कोई एक कैटेगरी आपने पूरी करनी है, यानी या तो इस तरह होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जितनी भी टर्म्स, या तो उन सब का स्क्वायर हो जाए, होल स्क्वायर हो जाए, या फिर इन सब का स्क्वायर हो और बीच में प्लस होना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर्स के बीच में माइनस नहीं होना चाहिए। दो में से कोई एक कैटेगरी हम बनाएंगे यहां पर, या तो होल स्क्वायर बनाएंगे या फिर सबका स्क्वायर और बीच में प्लस, स्क्वायर्स के बीच में प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। तो एट दैट मोमेंट हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि रूट्स क्या होंगे, इसके रियल होंगे। तो अब रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, अभी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ए बी और सी अलग कर लेंगे, के प्लस वन ओवर के और सी आ गया थ्री। अब आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाना है, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी की वैल्यू पुट करें माइनस टू इंटू के प्लस वन अवर के का होल स्क्वायर, माइनस फोर इंटू वन इंटू सी की वैल्यू थ्री आ गई, टू का स्क्वायर फोर आ गया, के प्लस वन अवर के का होल स्क्वायर माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व, अब यह आ जाएगा फोर इंटू के स्क्वायर प्लस वन अवर के स्क्वायर प्लस टू, ये फार्मूला ओपन कर दिया, माइनस ट्वेल्व,
अब 12 में आप कॉमन ले रहे हैं, इसमें से 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3, ये 4 कॉमन निकाल लिया दोनों में से, ये 4 3 से 12, 3 में से 2 माइनस करें तो क्या बचेगा आपके पास, के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पे अब प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम ये आ गई है कि देखें पहले का भी स्क्वायर है, दूसरे का भी स्क्वायर है, तीसरे का, 1 का स्क्वायर तो हो सकता है लेकिन ये सेंटर में माइनस आ रहा है, तो हमने कुछ ऐसा करना है कि ये माइनस भी ना आए और अगर स्क्वायर आए तो वो बीच में उनके प्लस आना चाहिए। तो अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि यहाँ पे वो वाली फॉर्म अचीव हो जाए, तो इसका तरीकेकार देख लेते हैं क्या है। इसका तरीका क्वाइट सिंपल है कि यहाँ पे माइनस 2 भी कर दें और प्लस 2 कर दें और ये माइनस 1 एज इट इज आ गया। ये 2 मैंने माइनस और प्लस किया है, ठीक है राइट, ये माइनस 2 प्लस और माइनस और प्लस किया है। अब ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, इसका नाम फार्मूला क्लोज कर देंगे। तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा तो यह आ जाएगा के माइनस 1 ओवर के का होल स्क्वायर और 2 में से 1 माइनस करें तो 1 का स्क्वायर। तो अब देखें पहले पे भी स्क्वायर आ रहा है, दूसरे पे भी स्क्वायर आ रहा है, बीच में माइनस आ रहा तो इट डजंट मैटर, ओके। आपके पास ये स्क्वायर के बीच में माइनस नहीं आना चाहिए, यानी आपने ये फॉर्म लेकर आनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आपको सर इस तरह की फॉर्म आनी चाहिए। तो अब स्क्वायर के अंदर ये जो ए है ना, ये बेशक माइनस में आ जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन स्क्वायर्स ये स्क्वायर है फिर ये स्क्वायर है, दो स्क्वायर्स के बीच में ये वाला साइन नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। ये देखें अब ये स्क्वायर है, इनके बीच में प्लस है, स्क्वायर के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो सो वी हैव नो टेंशन अबाउट दिस। अब देखिए बाहर ये भी पॉजिटिव है, ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये देखें पॉजिटिव प्लस पर, पॉजिटिव को पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, इसको पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेट क्या आ गया आपके पास, पॉजिटिव आ गया, तो दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल, ये इसमें ना रियल रूट्स होंगे। तो देख के जिसको यूज करके आपने रूट्स को रियल क्या करना है, प्रूव करना है। अच्छा जी, अब ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें भी कहता है कि आपने रूट्स को ना रियल प्रूव करना है, तो इसमें भी यही काम करेंगे, या तो होल स्क्वायर बनाएंगे या फिर सम ऑफ स्क्वायर्स बनाएंगे। या गया बी माइनस सी, सी माइनस ए, सॉरी ये बी एक्स के साथ और सी आपके पास आ गया ए माइनस बी। तो डिस्क्रिमिनेट हमने फाइंड करना है यहाँ पे, तो डिस्क्रिमिनेट कितने के इक्वल होगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। ऑलरेडी अगर बी सी आ रहा हो तो आपने ये कैपिटल से इनको डिनोट करना है ताकि थोड़ा डिफरेंस आ जाए, ये आ गया b माइनस सी और ये a माइनस बी। अब इधर फार्मूला ओपन करें, c का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2 सी ए माइनस 4 ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 2 सी ए माइनस 4 ए बी प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 4 सी ए माइनस 4 बी सी। अब देखते हैं जो प्लस माइनस हो सकते हैं उन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये स्क्वायर वालों को ना इकट्ठा कर लें पहले। अब देखिए फिर 6 टर्म्स हैं, तो जब भी 6 टर्म्स हो ना आप सोच लिया करें कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला यहाँ पे बन सकता है, उस फार्मूले के हवाले से आपने गौर फिक्र करना है। यह आ गया 4 ए बी प्लस 2 सी ए, ये 4 सी ए में से 2 सी ए माइनस करें तो 2 सी ए बच जाएगा। अब हम इनको ना स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं ए का स्क्वायर और ये 4 है तो 2 बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस इसको 2 इंटू 2 बी सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और ये 2 ए इंटू 2 बी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, और ये 2 सी ए एज इट इज। अब ये आप देखें फार्मूला कंप्लीट हो रहा है स्ट्रेट अवे, ये फार्मूला है ए 2 बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन अब प्लस कहां पे आएगा, देखिए माइनस भी आ रहा है, अगर तो सबके साथ प्लस आ रहा हो तो फिर तो इधर बीच में प्लस आ जाएंगे, नो नीड ऑफ एनी टेंशन। लेकिन अगर देखें कुछ माइनस कुछ प्लस आ रहे हो, फिर आप प्लस वाले को पकड़ेंगे, ये सी और ए के साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है सी और ए के साथ, तो इट्स मीन अब जो प्लस लगाएंगे वो ए के साथ प्लस होगा और सी के साथ प्लस होगा, बी जो बच के इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब ये देखें डिस्क्रिमिनेट क्या हो गया, होल स्क्वायर आ गया, तो होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आ गया, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज रूट्स आर रियल, ये क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया।